जायसवाल की रिपोर्ट, SCN 24। जुटमिल क्षेत्र के कायाघाट मोहल्ले में एक व्यक्ति गांजा बेचने के फिराक में घूम रहा था। फिलहाल मुखबिर की सूचना पर जुटमिल पुलिस ने आरोपी को गांजा के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जुटमिल क्षेत्र के कायाघाट मोहल्ले में एक व्यक्ति गांजा बेचने के फिराक में घूम रहा था। मुखबिर से सूचना पर जुटमिल पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को गांजा सहित अपने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि मयंक बरेट उम्र 19 वर्ष, पिता हुकराम बरेट, निवासी बैकुंठपुर थाना कोतवाली का रहने वाला है। देर रात आसपास मयंक अपने पास रखे 2 किलो गांजा बेचने के फिराक में ग्राहक तलाश रहा था। इतने में मुखबिर के द्वारा जुटमिल चौकी में सूचना आई। सूचना प्राप्त होते ही जुटमिल चौकी प्रभारी अंजना केरकेटा के निर्देशानुसार पुलिस टीम बिना समय गंवाए मौके पर पहुंचकर गांजा तस्कर मयंक बरेट के कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद कर अपने हिरासत में ले लिया, जहां आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। दिनांक 12/8/18 को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मयंक बरेट निवासी बैकुंठपुर कोतवाली का अपने पास से मोटरसाइकिल में गांजे को ले जा परिवहन कर बिक्री करने के लिए कायाघाट की ओर ले जा रहा था। उक्त सूचना पर स्टाफ के कायाघाट जाकर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसके कब्जे से 2 किलो गांजा बरामद की गई है। बरामद गांजा के आधार पर विधिवत कार्रवाई करते हुए दिनांक 12 तारीख को ही उसे गिरफ्तार किया गया, जिसे माननीय न्यायालय में आज जमानत पेश किया। क्या धारा लगाई जा रही मैडम इनके ऊपर? आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 1037/18 धारा 20B NDPS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, SCN 24। और नाग पंचमी